हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर गया हूँ, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं फिग्मा में ऑटो लेआउट। और जैसा कि आपको पता है, मैंने लास्ट की अपने चैनल पर कुछ फिग्मा की मोबाइल ऐप्स डिज़ाइन कर वीडियो ऐड की थी, तो उसमें मैंने ऑटो लेआउट ऐड किया था, ठीक है। मैंने 3 और 4 वीडियोज ऐड किए हैं, तो मैंने उन सब में ऑटो लेआउट यूज़ किया था, ठीक है। तो कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज़ आप एक फिग्मा की डिटेल वीडियो ऐड कर दीजिए, ठीक है, ताकि सबकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ऑटो लेआउट होता क्या है। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था लोगों को सीखने में, ठीक है। तो आज मैं डीपली आपको बताने वाला हूँ ऑटो लेआउट के बारे में, ऑटो लेआउट क्या होता है और ऑटो लेआउट को हम कैसे यूज़ करेंगे इन अवर एप्लीकेशन और एनी मोबाइल ऐप और वेबसाइट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑटो लेआउट होता क्या है। ऑटो लेआउट में होता क्या है, ऑटो लेआउट एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। और होता क्या है, ऑटो लेआउट के थ्रू हम अपने एलिमेंट्स को ईजिली अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। और हमारा डिज़ाइन जो बनता है पिक्सल परफेक्ट बनता है, ठीक है। और इसमें ये नहीं होता कि हम आइटम को अपने की एरो से हम इधर उधर करें, मूव करें, इसमें वो नहीं होता। ऑटो लेआउट में हम अपने उसके पेरेंट को हम ऑटो लेआउट सेट कर देते हैं, उसी के थ्रू हम सारा अलाइनमेंट कर लेते हैं, तो हमें कस्टम अलाइनमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो ऑटो लेआउट मतलब वो अपने आप लेआउट को हम वो करता है, ऑटो पोजिशनिंग करता है, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पिक्सल परफेक्ट अगर आपको डिज़ाइन बनाना है तो ऑटो लेआउट का यूज़ किया, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाना है तो ऑटो लेआउट का यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। और सारी कंपनी जितनी भी हैं आजकल ऑटो लेआउट में ही डिज़ाइन बना रही हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि पहले देख लेते हैं हम करने क्या 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 वाले हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा वीडियो समझ आएगी, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, इसमें हम ऑटो लेआउट में आपको इसमें बताने वाला हूँ डिटेल में, इस चीज़ में, ठीक है, इन एलिमेंट्स में। फिर हम बटन बनाना सीखेंगे ऑटो लेआउट से, और फिर स्टार रेटिंग का ये हम बनाना सीखेंगे ऑटो लेआउट से, और ये कार्ड मैं आपको डिज़ाइन करके दिखाऊंगा ऑटो लेआउट से, ठीक है। और एक कार्ड ये वाला मैं ऑटो लेआउट से आपको डिज़ाइन करके दिखाऊंगा, और स्टेटस बार भी मैं आपको ऑटो लेआउट से डिज़ाइन करना मैं बताऊंगा आपको, और एक ये नैव मेनू में आपको डिज़ाइन करके दिखाऊंगा ऑटो लेआउट से। और आगे आने वाली वीडियोस में जो भी मोबाइल ऐप या वेबसाइट हम डिज़ाइन करेंगे उसमें मैं ऑटो लेआउट ही यूज़ करूंगा, ठीक है। तो आपका आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा ऑटो लेआउट, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं figma.com यहाँ से अपना ओपन करता हूँ सबसे पहले, ठीक है। यहाँ से हम लेते हैं न्यू डिज़ाइन फाइल, सिंपल। तो सबसे पहले इसका नेम हम कर लेते हैं ऑटो लेआउट, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक फ्रेम ले लेता हूँ मैं, ठीक है, सिंपल। यहाँ से मैंने एक फ्रेम यहाँ पर ड्रैग किया, ठीक है। इसकी विड्थ हम कर लेते हैं 800, ठीक है। और हाइट थोड़ी हम इसकी इंक्रीज कर लेते हैं, यहाँ से नीचे ड्रैग करके, सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वाले पर चलते हैं, मैं आपको ऑटो लेआउट मैं बताता हूँ आपको इस वाले पर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ शेप्स यहाँ पर डिज़ाइन करता हूँ अपने इस वाले यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं फ्रेम का नेम चेंज कर लेता हूँ, ऑटो लेआउट इस फ्रेम का नेम हम कर लेते हैं, ठीक है। और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है। और इसके बाद एक मैं पॉलीगॉन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद एक स्टार कर लेते हैं और एक टेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ पर, हनी कोट। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर लेते हैं यहाँ से हम 16। अब देखो, सॉरी, अब ऑटो लेआउट में क्या आता है, ऑटो लेआउट नाम से पता चल रहा है, ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली अरेंज कर लेता है आइटम्स को, ठीक है। अब देखो, मैं आइटम को इधर उधर कर देता हूँ, ठीक है, मैंने आइटम इधर उधर कर दिया। अगर आपको मैं कहूँ इन आइटम को आपको अलाइन करना है, आप कैसे करोगे, हॉरिजॉन्टल अलाइन करना है, तो आप ऐसे करोगे, यहाँ पे जाके ये उठा उठा के रखोगे, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे ऊपर से आप सेंटर वगैरह करोगे, इनको अलाइनमेंट करोगे, तो उसमें आपका बहुत टाइम लग जाएगा। अब मैंने आपको कह दिया आप इसको वर्टिकल अलाइन करो, आप यहाँ पर उठा के आप रखोगे, फिर आप स्पेस चेक करोगे इस टाइप से, फिर आप वर्टिकली से लेकर आओगे। तो ऑटो लेआउट में आपको इतना सारा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो, जैसे मैं एलिमेंट इधर उधर पड़े हुए हैं, अब मैंने आपको कहा कि इसको हॉरिजॉन्टल अलाइन कर दो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने जितने भी एलिमेंट हैं आपको हॉरिजॉन्टल अलाइन करने हैं, सपोज़ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल अलाइन करने हैं, तो आपको सबसे पहले सारे अपने एलिमेंट यहाँ से आपने देखो सेलेक्ट कर लिए मैंने शिफ्ट के साथ सारे एलिमेंट, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, राइट क्लिक करोगे आप
यहाँ पे देखो ऑटो लेआउट का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ऐड ऑटो लेआउट, आप सिर्फ प्लस ए करके भी ऑटो लेआउट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ पर ऐड ऑटो लेआउट में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक किया, ऐड ऑटो लेआउट, ठीक है। तो मैं शिफ्ट, जब भी ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करूँगा मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, देखो ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो सारे एलिमेंट ऐसे ही पड़े हुए हैं, जैसे ही मैं यहाँ पर मैं क्लिक करने जा रहा हूँ तो आप यहाँ पर देखना यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। मैंने शिफ्ट ए प्रेस किया, ये देखो ये एक ऑटो लेआउट का फ्रेम बन गया, देखो ये देखो ऑटो लेआउट का, देखो ये हॉरिजॉन्टल का आइकन है ऐसे में, देखो ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल का एक फ्रेम बन गया, ऑटो फ्रेम हो गया, ठीक है। इसको ऑटो फ्रेम कहेंगे, अब इसका आइकन देखो ये ऑटो फ्रेम है। अगर ये देखो आइकन है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ पर देखो यहाँ से आप इसको वर्टिकली कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, है ना, बहुत अच्छा फीचर। तो रिस्पॉन्सिव में क्या होता है, डेस्कटॉप पे एक के सामने एक होती हैं चीज़ें, और जस्ट अगर मेरे को एक के नीचे एक करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके एक के नीचे एक आइटम कर सकता हूँ ईजिली, ठीक है। तो अभी मैं हॉरिजॉन्टल लगता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये क्या चीज़ है, आप कहोगे ये क्या है यार, 40 क्या है तो यहाँ पर आप देखेंगे स्पेस है, एक आइटम से दूसरे आइटम के बीच में स्पेस, ठीक है। ये 40 है, ये 40 है, ये 40 है, ये 40 है, तो एक आइटम से दूसरे आइटम के बीच के स्पेस हम यहाँ से अलाइन कर सकते हैं। सपोज मैंने कर दिया जीरो, ये देखो जीरो, ये पेरेंट पर ऐड करो, मैं देखो ये पेरेंट हो गया, देखो ये हो गया मेरा पेरेंट। आप इसका नाम अपने जो भी आपका सेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग नेम रख लेना, बट मैं आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ ये पेरेंट है, पेरेंट वन इसका नेम मैंने कर लिया, ठीक है। तो अब देखो मैं यहाँ से स्पेसिंग करता हूँ, देखो एक आइटम से दूसरे आइटम के बीच में स्पेस, मैं सिर्फ यहीं से पेरेंट पर चेन कर ही देखो यहाँ से मैं कितना कुछ कर पा रहा हूँ। मैं एलिमेंट में देखो कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसका इन सब का पेरेंट क्या है, ये है, मैंने इसको बंद किया, ये ऑटो लेआउट फ्रेम है पेरेंट, ठीक है। और यहाँ से देखो मैं ईजली यहाँ से मैं स्पेसिंग चेंज कर पा रहा हूँ इसकी, है ना। और अगर मेरे को, मैंने इसको वर्टिकली कर दिया तो देखो वर्टिकली स्पेस 38 है, तो यहाँ से भी मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ये देखो, है ना, बहुत अच्छा फीचर। तो ठीक है, इसको अभी हम हॉरिजॉन्टल लगते हैं इसको, ठीक है। और मैं इसमें क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ कलर फिल करता हूँ इसका, ठीक है, फिल पेरेंट में अपने, इस कलर को बाद में रिमूव कर लेंगे हम, दिखाने के लिए कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर है क्या, जब हम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर ये आपको दिख रहे हैं, देखो ये फीचर। तो यहाँ पर ये होता है विड्थ के लिए और ये होता है हाइट के लिए। तो विर्थ ने, ये जो विर्थ है देखो, इसने हमारा जो सेक्शन है सारे आइटम ने हग करके रखा हुआ, इसलिए हग कंटेंट्स है, ठीक है। देखो हग किया हुआ है, देखो यहाँ से भी चिपका हुआ है, ये ऊपर से चिपका हुआ है, यहाँ से भी चिपका हुआ है, नीचे से भी चिपका हुआ है। तो पेरेंट ने अपने आइटम्स जो है उनको हग करके रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर हग, यहाँ पर विर्थ में भी हग किया हुआ है और यहाँ पर हाइट में भी हग करके रखा हुआ है। और अभी आप यहाँ पर देखोगे विर्थ, जब हम ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करते हैं किसी चीज़ को, तो हम ना तो उसकी विड्थ चेंज कर पाते और ना ही हम उसकी हाइट यहाँ पे चेंज कर पाते। देखो विड्थ इस टाइम डिसेबल है, हाइट भी डिसेबल है। अगर आपको विड्थ चेंज करनी है तो आप यहाँ से स्ट्रेच कर सकते हैं, इसको यहाँ खींच सकते हैं, हाइट भी खींच सकते हैं, तो आप हाइट विड्थ चेंज कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर करते हैं फिक्स, तो देखो अब आप विड्थ भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर देखो हाइट डिसेबल है। अगर आपने हाइट कर दिया फिक्स तो आप हाइट भी चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर मैंने फिक्स कर दिया, इसका मतलब हो गया कि हार्ड कोड हो गई, विड्थ हमारी हार्ड कोड है और हाइट भी इस टाइम हमारी हार्ड कोड है, ठीक है। तो अगर आपको चेंज करना है आप यहाँ पे जाके इसको फिक्स कर लीजिए दोनों को, अगर आपको हाइट भी करनी है फिक्स कर लीजिए। और आप चाहते हो कि मैं फिक्स नहीं रखना चाहता, मैं इसको हग करके ही रखना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप हग कंटेंट ही रखिए। तो ये ऑटो विड्थ हो गई, ठीक है। अब सपोज मैं इसके अंदर एक कंट्रोल डी किया, मैंने देखो एक आइटम और ऐड किया, डुप्लीकेट किया, तो खुद ही इसकी विड्थ बढ़ रही है देखो, ठीक है। अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, सपोज मैंने इसकी विड्थ कर दी फिक्स, यहाँ से फिक्स कर दी विड्थ और फिक्स कर दी हाइट। अब मैं इसका डुप्लीकेट करता हूँ कंट्रोल डी, ये देखो इस फ्रेम की हमारी विड्थ अब नहीं बढ़ी, क्योंकि इसकी फिक्स विड्थ जो है फिक्स हो गई थी, ठीक है। तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ फिर, और अब मैं इसको हग कंटेंट ही रखता हूँ इसका, ठीक है। यहाँ पर गए हम, हग रखा, हग कंटेंट, ठीक है। और हाइट भी हम इसकी हग कंटेंट ही रखते हैं। और मैंने इसका कंट्रोल डी किया, देखो अब हाइट जो विड्थ है इसकी वो ऑटो हो गई, ठीक है।
अब ये ऑटो ले रहा है, देखो यहाँ पे इसकी विड्थ डिसेबल हो गई, तो जब भी इसमें एलिमेंट आएगा कंट्रोल डी से, तो देखो ये ऑटो इसकी विड्थ आगे आएगा इसके, ठीक है ये एलिमेंट। तो ये इसका बहुत अच्छा फीचर है, यहाँ पे हग करके रखी हुई है सब चीज़ों ने, तो सारी चीज़ें चिपकी हुई हैं इसलिए, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। और आप क्या है यहाँ पे एरो के थ्रू भी देखो एलिमेंट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे हमारा हॉरिजॉन्टल है तो आपका लेफ्ट राइट एरो से आपको करना पड़ेगा, देखो लेफ्ट राइट एरो आप मूव करोगे तो देखो ऊपर नीचे हो रहा है। और अगर आपका पेरेंट जो है, पेरेंट पे जाने के बाद आपको अगर इसका वर्टिकल है तो आपको टॉप डाउन एरो से, जो अप एंड डाउन एरो है तो उसके थ्रू आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखो एलिमेंट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ देखो एरो के थ्रू, और वहाँ भी चेंज हो रहा है, ठीक है। या आप जैसे आपका सर्किल है, आपको फर्स्ट नंबर पे चाहिए तो आप इसको नीचे जाइए, फर्स्ट पे ही आ गया, और सेकंड पे आपको रेक्टेंगल चाहिए तो रेक्टेंगल सेकंड पे लेके आ जाओ। तो यहाँ भी ड्रैग ड्रॉप करके आप आइटम को अलाइन कर सकते हैं कि आपको कौन से नंबर पे आइटम कौन सा चाहिए। सपोज मेरे को सर्किल लास्ट पे चाहिए तो मैंने सर्किल पकड़ा और इसको लास्ट में रख दिया तो ये लास्ट में आ गया। तो इस टाइप से इसके अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो ऑटो लेआउट का एक फ़ायदा तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सब चीज़ें हग हैं, हग कंटेंट हैं, तो मैंने इसकी विड्थ बढ़ाई यहाँ से, स्ट्रेच किया तो देखो ये लेफ्ट तो आ गया लेकिन फिक्स हो गई, ठीक है, इसकी विड्थ फिक्स हो गई। अब मैं चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ से। अब हाइट देखो यहाँ पे हग कंटेंट है, अब जैसी मैं ये हाइट यहाँ पे देखना, आप हग कंटेंट है, मैं यहाँ पे खींचता हूँ नीचे यहाँ से पकड़ के, तो हाइट भी जो है देखो फिक्स हो गई, ठीक है। आप स्ट्रेच करोगे तो हाइट विड्थ फिक्स हो जाती है इसमें, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे आपको कुछ अलाइन के अलाइनमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। देखो अगर आपको अपने कंटेंट को, ये जो आपका कंटेंट है, आपको इसको अलाइन करना है, देखो यहाँ से ये लेफ्ट सेंटर है, यहाँ से आप करोगे सारे सेंटर सेंटर हो गए, टॉप सेंटर, यहाँ से टॉप लेफ्ट हो गए, यहाँ से सेंटर लेफ्ट हो गया, ये सेंटर सेंटर हो गया, और ये राइट हो गया सेंटर, ये देखो, ठीक है। बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, राइट सेंटर। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है, हम यहाँ से इनको चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं। तो ये जो फीचर है आपको ये ऑटो लेआउट में यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अब हम इसकी, अब मैंने क्या किया यहाँ पेरेंट पे जाने के बाद, यहाँ पे देखो मैंने इसको हग कंटेंट ही कर लेता हूँ, ठीक है, हाइट भी हग कंटेंट कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है देखो, जैसे अब आपको पैडिंग देनी है इनके चारों तरफ, ये तो आपका हो गया एक आइटम से दूसरे आइटम के बीच की स्पेसिंग, ठीक है। अभी हम इसको टॉप ही कर लेते हैं लैपटॉप, ठीक है। तो ये जीरो कर दिया, तो देखो मैं पेरेंट पे सब चीज़ें मैं पेरेंट पे ही कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ईजिली आप पेरेंट के थ्रू ही सब चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं स्पेसिंग चाहता हूँ एक आइटम तो दूसरे आइटम के बीच में, ठीक है, ये 30 का स्पेस आ गया, हर एक आइटम के बीच में 30 का स्पेस है, ठीक है, पेरेंट पर ही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये है आपकी पैडिंग, देखो मैं करता हूँ 20, तो देखो टॉप से पैडिंग 20, लेफ्ट से पैडिंग 20, बॉटम से 20, राइट से 20। और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अगर, तो आप हर एक की अलग अलग पैडिंग डाल सकते हैं। यहाँ पे सपोज मेरे को टॉप से 0 चाहिए और मेरे को यहाँ पर 15 चाहिए यहाँ से, या और यहाँ से मेरे को चाहिए 50 और बॉटम से चाहिए 20, ठीक है। तो इस टाइप से आप पैडिंग यहाँ से अलग अलग पैडिंग आप डाल सकते हो यहाँ पे सबकी, और अगर आपको ये मिक्स हो जाती है, ठीक है, अगर मैं कर दूँ 50 तो देखो चारों तरफ से 50 की पैडिंग आ गई, ठीक है। तो ऑटो लेआउट में ये बेनिफिट था, शिफ्ट ए प्रेस करना है, ऑटो लेआउट के आपके फीचर ये इनेबल हो जाता है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक बटन, ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ इसको, ठीक है। अगर आपको बटन बनाना होता था तो आप क्या करते थे, आप यहाँ पे जाते थे, एक आप रेक्टेंगल ड्रॉ करते थे और इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करके इसके अंदर ऐड करते थे और फिर इसको अलाइन करते थे। और अगर आपका टेक्स्ट बड़ा होता था तो आपके बटन की विड्थ और हाइट नहीं बढ़ती थी इसमें, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, सिंपल, ठीक है। अब जब भी आप ऑटो लेआउट पे काम करें तो आप हमेशा फ्रेम पे काम करें, ठीक है। तो आप रेक्टेंगल ना बनाएं, रेक्टेंगल कभी मत बनाना, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक फ्रेम लिया मैंने, अभी मैं बटन बना रहा हूँ सिंपल, तो मैं अभी फ्रेम ले रहा हूँ, मैं एक सिंपल टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे बटन, ठीक है, सिंपल टेक्स्ट लिया। अब इसको ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है आपको, या तो आप राइट क्लिक कीजिए, या तो ऐड ऑटो लेआउट शिफ्ट ए प्रेस करके भी कर सकते हैं, या सिंपल यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ क्लिक किया, ये देखो ये फ्रेम बन गया वही सेम, ठीक है। और इसका नेम हम कर लेते हैं फ्रेम का बटन। तो इसके अंदर कोई पेरेंट, ये पेरेंट है, इसका एक चिल्ड्रन है बस, ठीक है, बटन।
तो हम जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे वो किस पे करेंगे, अपने बाहर वाले फ्रेम पर, ऑटो फ्रेम पर। ठीक है, ये हमारा ऑटो फ्रेम है। और मैं यहाँ पे जाके फिल करता हूँ अपने बटन में कुछ कलर। ठीक है, थोड़ा येलो कर लेते हैं। तो ये मैंने बटन अपना बनाया यहाँ पे और ये कलर मैंने यहाँ से फिल कर दिया इसमें। ठीक है, अब बटन में होगा क्या, देखो ये ऑटो लेआउट का फीचर फिल इनेबल हो गया। तो इस चीज़ को आपको जीरो का लेना है क्योंकि एक ही एलिमेंट है यहाँ पर। इस टाइम हमारे पास एक ही एलिमेंट है तो आप जीरो रखिए। तो स्पेसिंग जो होती है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच की होती है, तो यहाँ पे अभी एक ही एलिमेंट है तो हम इसको जीरो रखते हैं। ये होती है पैडिंग, मैंने आपको बताया था, देखो। ठीक है, आप टॉप बॉटम से कंपेयरिंग रख सकते हैं और लेफ्ट राइट से अगर आपको रखनी है जैसे 50 रखनी है तो ये पैडिंग यहाँ से हम रख सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, और इसका बॉर्डर रेडियस हम कर देते हैं 8। सिंपल ऑटो लेआउट से बटन बन गया। अब देखो मैं इसके आगे टेक्स्ट राइट करता हूँ, मैंने बटन की कॉपी करी, देखो। अब जितनी भी इसकी हम टेक्स्ट पेस्ट करेंगे उतनी इसकी विड्थ आप बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ऑटो लेआउट है और यहाँ पे इसने हग कंटेंट किया हुआ है। और सपोज अगर मैंने कर दिया इसकी फिक्स विड्थ, अब देखो ये फिक्स हो गई एक विड्थ ना, देखो अब ये नहीं बढ़ेगा। और मैं एंटर करता हूँ, देखो अभी तो हाइट बढ़ रही है। हाइट क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हाइट अभी पेरेंट की जो हाइट है वो हग कंटेंट है। अगर मैं इसको भी यहाँ से फिक्स कर दूँ, ये देखो, और मैं एंटर करता हूँ तो ये देखो अब इसकी विड्थ और हाइट दोनों ही फिक्स हो चुके हैं, वो नहीं बढ़ रही हैं। ठीक है, और अगर मैं बटन पर जाने के बाद ही इसको मैं हग कंटेंट कर दूँ और हाइट को भी हग कंटेंट कर दूँ, ये हाइट का होता है ये विड्थ का होता है, तो देखो अब हाइट बढ़ेगी। जब भी आपका कंटेंट आएगा नया अब हाइट बढ़ेगी। देखो ये देखो, जितना कंटेंट होगा उतनी हाइट और विड्थ होगी इसकी, क्योंकि हमारे पेरेंट ने जो हमारा चाइल्ड है उसको दोनों को हाइट और विड्थ को हग करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए सब चीज़ें पास रहती है। तो किसी चीज़ अगर हम किसी एलिमेंट की विड्थ और हाइट फिक्स करनी है तो यहाँ पे आप या तो आप यहाँ से कर सकते हैं फिक्स, ठीक है, और या आप अभी देखो ये डिसेबल है, या आप खींच के भी फिक्स कर सकते हैं। अभी फिक्स हो गई, देखो हाइट विड्थ, ये देखो फिक्स, और ये देखो ये भी फिक्स हो गई। यहाँ पे हाइट और विड्थ फिक्स हो जाती है अगर आप इसको खींच देंगे या आप यहाँ पे जाके इसको फिक्स कर देंगे। तो अभी मैं इसको यहाँ पर क्या रखता हूँ, मैं अपना हगी रखता हूँ इसको करके। ठीक है, हाइट और विड्थ को मैं दोनों को हगी करके मैंने रखा हुआ है। ठीक है, सिंपल। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा बटन है हमारा, इसको मैंने डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट नहीं करता मैं, ये तो आपको सीख गए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक आइकन लेता हूँ मैं, राइट क्लिक किया, एक प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया हुआ है फोंटोसम, इसकी डिटेल वीडियो मैंने ऐड की हुई है अपने चैनल में कि प्लगइन कैसे यूज़ करते हैं, अगर नहीं पता आप जाके देख लेना। ठीक है, तो सपोज़ मेरे को कुछ आइकन चाहिए, सपोज़ मेरे को यहाँ पे बैक का आइकन चाहिए, तो मैंने बैक आइकन लिया यहाँ पर, ये हमारा आइकन आ गया देखो ऊपर। ठीक है, अब अगर आपको इस आइटम को इसी के अंदर लेके आना है तो आप क्या करते थे, एरो से आप इधर उधर लेके जाते थे, तो एरो से नहीं लेके जाना, आपका पेरेंट ये है और आपको जस्ट ड्रैग करके अपने ऑटो लेआउट के अंदर कर देना है इसको। देखो ये हमारा ऑटो लेआउट था और इसके अंदर हमारे दो आइटम हो गए, एक हमारा बटन हो गया, एक आइकन। अगर आपको एरो को इधर लेके आना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कौन सा है हमारा, देखो हॉरिजॉन्टल है तो हमारा लेफ्ट राइट एरो चलेगा इस टाइम, ये देखो लेफ्ट राइट एरो हॉरिजॉन्टल ले। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में स्पेसिंग चाहिए, तो मैंने आपको बताया था स्पेसिंग के लिए ये होता है, दो आइटम है, ये पेरेंट हो गया। अब इसके अंदर कितने आइटम है, टू आइटम्स इसके अंदर है, वन आइटम सेकंड आइटम, तो टू आइटम्स के बीच में स्पेस अगर हमको ऐड करना है तो मैं पेरेंट पर गया और यहाँ से मैंने स्पेस ऐड कर दिया। ठीक है, और अब इसको अलाइन करना है सेंटर, तो मैंने बताया था आपको सेंटर अगर सब चीज़ें चाहिए यहाँ पे तो आपको पेरेंट को आपको पिक करना है और यहाँ पर जाने के बाद सेंटर सेंटर कर देना इसको, तो ये बटन आपका देखो बन गया इजली। ठीक है, मेक श्योर ये रहे कि जो फ्रेम के अंदर है वो दोनों आइटम रहे हैं। ठीक है, ये हमने बटन बना के देख लिया और इसके बाद हम देखते हैं ये अपना स्टार वाला बना के। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ सारा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने अपने रेटिंग वाला बना के देखता हूँ ये ऑटो लेआउट से। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, स्टार लिया, वन स्टार, इसका डुप्लीकेट किया यहाँ पर, कंट्रोल डी प्रेस किया, कंट्रोल डी अगेन प्रेस, कंट्रोल डी अगेन प्रेस, कंट्रोल डी अगेन प्रेस। ओके, तो यहाँ से मैंने क्या किया, इन सबको सेलेक्ट किया, इन फोर आइटम्स को, 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ से ग्रीन कलर मैंने फिल कर दिया इसमें,
इनमें, ठीक है। और इनको मैंने कर लिया यहाँ से। जैसे अब देखो ऑटो लेआउट में क्या फ़ायदा है, सपोज मेरे आइटम्स इधर उधर रखे हुए हैं, ठीक है, मैंने सबको सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ। और क्या बताया था मैंने ऑटो लेआउट के लिए, बताइए, शिफ्ट ए प्रेस करना है आपको। शिफ्ट ए प्रेस किया, देखो एक लाइन में आ गए सारे, ठीक है। इसका नेम हमने लिख लिया रेटिंग पेरेंट, इसका नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। अब हमको किस में ऐड करेंगे, हमारे ऑटो लेआउट पेरेंट के उस पर चलेगा सारा। तो वन आइटम से सेकंड आइटम के बीच में जो स्पेस है अभी 77 है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे मैंने पेरेंट को सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं यहाँ से स्पेस कम ज़्यादा कर सकता हूँ, देखो सपोज मैंने किया 15, ये देखो, तो यहाँ से मैंने 15 का स्पेस यहाँ पर ऐड कर लिया। आप यहाँ से इंक्रीज भी कर सकते हैं कम ज़्यादा, ठीक है, ये देखो। और अगर आप इसको कर दोगे कैसे, वर्टिकली कर दोगे तो वर्टिकली हो जाएगा। और कोई से भी स्टार को, जैसे आपको फर्स्ट वाला स्टार, ये हमारा फर्स्ट वाला है, ये हमें लास्ट में लेके आना है, तो आप इसको यहाँ ड्रैग करके ऊपर ले आइए, कहीं भी चाहिए आपको, ये देखो। तो आप ड्रैग ड्रॉप करके भी अपने आइटम की प्लेस जो है उसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पेरेंट को यहाँ पे से अपने पेरेंट को पिक किया, और देखिए ये देखिए यहाँ से टॉप बॉटम आप कर सकते हैं, और वन आइटम से सेकेंड आइटम के बीच का स्पेस आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और सपोज ये हमारा है यहाँ, और यहाँ पे मैं कुछ फिल करता हूँ यहाँ पे कलर अपने फ्रेम में, ठीक है, ये हमारा फ्रेम है। और इसमें मेरे को पैडिंग भी ऐड करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाने के बाद, सॉरी, यहाँ पर पैडिंग ऊपर जाते हैं हम, और यहाँ से पैडिंग ऐड कर देते हैं इनके बीच में 20, ठीक है। ये देखो पैडिंग आ गई ऑल साइड से 20 की यहाँ पर पैडिंग आ गई। अगर आपको अब बॉर्डर रेडियस ऐड करना है तो आप यहाँ पे जाने के बाद इसका बॉर्डर रेडियस भी ऐड कर सकते हैं, देखो सिंपल, ठीक है। तो अब हमने रेटिंग वाला भी देख लिया, आपको ऑटो लेआउट की काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी शायद, मेरे को लगता है, ठीक है, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब हम बनाते हैं ये वाला कार्ड, ठीक है, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें नेस्टिंग थोड़ी सी है, नेस्टिंग है इसमें लेआउट की। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने बताया था अगर मैं ऑटो लेआउट यूज़ कर रहा हूँ तो मैं रेक्टेंगल वगैरह मैं नहीं डिज़ाइन करूँगा, ड्रॉ करूँगा, मैं फ्रेम ही लूँगा जब भी बनाऊँगा। तो जब भी आप ऑटो लेआउट पे काम करो तो आप फ्रेम ही लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने एक फ्रेम यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, इसका नेम मैं कर लेता हूँ बॉक्स पेरेंट। पेरेंट मैं इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको पता रहे, तो आप नेम मेक श्योर रहे कि आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ही रखें, जो आपके सेक्शन का नेम होगा वही रखें, ठीक है। तो मैं इसका करता हूँ बॉक्स पेरेंट वन, ये पेरेंट है मेन पेरेंट, ठीक है, बाहर वाला। तो मैं सबसे पहले इसमें फिल करता हूँ कुछ कलर, वाइट मैंने फिल किया, ठीक है, और इसमें मैं शेडो ऐड करता हूँ। तो मैंने इफेक्ट पर यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किया, मैंने दिख रहा है आपको इफेक्ट, और ब्लर को कर लेता हूँ मैं 12, और वॉइस को रखता हूँ मैं 0, ठीक है, इतना इनफ है, तो 0, 12, 0, 0, ठीक है। इसको मैंने क्लोज किया, अब मैंने बॉक्स पेरेंट को अपना सेलेक्ट किया, और इसके बाद यहाँ पर हम ऐड बॉर्डर रेडियस ऐड कर लेते हैं 12। ये कार्ड हमारा बन गया। अब इसके अंदर इसको मैंने क्या कहा था आपको, मैंने कहा था, चलो अभी रुको, अब हम इसके अंदर क्या लेते हैं, एक फ्रेम लेते हैं, या नहीं मैं एक सर्किल बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसके अंदर मैं एक सर्किल बनाता हूँ। ऑटो लेआउट में मैंने अभी कन्वर्ट नहीं किया कुछ भी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने सर्किल ये ड्रॉ किया और मैंने राइट क्लिक किया, प्लगइन्स में मैं गया और अनस्प्लैश प्लगइन से मैंने एक इमेज यहाँ पर पिक करी और यहाँ पर ऐड कर दी, टेक्नोलॉजी पे क्लिक किया और एक इमेज यहाँ पर ऐड कर दी, ठीक है। आप अगर इमेज चेंज चाहिए आपको, आप चेंज करके आप इमेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये इमेज मैंने यहाँ से ली, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, ये हो गई हमारी इमेज, ये हमारा फर्स्ट आइटम है। तो मैंने आपको बताया था ऑटो लेआउट पेरेंट पे काम करता है, ये हमारा पेरेंट है। तो क्या करना है आपको, या तो राइट क्लिक कीजिए, ऐड ऑटो लेआउट पे क्लिक कीजिए, या शिफ्ट ए प्रेस कीजिए। मैंने शिफ्ट ए प्रेस किया, तो देखो जैसे शिफ्ट ए प्रेस किया तो मैंने बताया था आपको हग करके रखती हैं चीज़ें, तो हमारे वन आइटम है इसके अंदर ओनली, तो इसने इस आइटम को हग कर लिया ऑटोमेटिकली, ठीक है, ये देखो हग कंटेंट, सिंपल, ठीक है। तो हग करके रख लिया, तो मेरे को चाहिए फिक्स विड्थ एक, अभी मैंने फिक्स कर ली एक विड्थ,
ठीक है, मैंने चाहता है कि अपने आइटम को ये हग करके रखे, ठीक है, पास में धप्पी पा के रखे, इसको पास में रखे, तो मैंने इसको फिक्स कर लिया इसकी वेट। देखो ये फिक्स हो गई, तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ वेट, ठीक है। हाइट अभी हग कंटेंट ही रखते हैं इसको, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या है, अब मैं इसके अंदर एक एलिमेंट और हम लेते हैं, यहाँ से मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया और यहाँ पर किया हनी कोड, ठीक है। हनी कोड को मैंने यहाँ पर प्लेस किया ऊपर, ये देखो हमारा एक आइटम ये हो गया, और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट किया, एक आइटम और आया हमारा यूआई यूएक्स लीड, ठीक है। अब देखो हमारा ये पेरेंट है, तो इसके अंदर कितने आइटम्स है, 1 2 3, तो होता क्या है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल किया हुआ है, तो तीनों आइटम को वो ये देखो अपने अकॉर्डिंग वो सेट कर रहा है। यहाँ पे देखो मैंने हाइट भी फिक्स कर दिया अभी, तो ऊपर नीचे कर रहा है। देखो स्पेसिंग ऐड करूँगा तो तीनों आइटम के बीच में स्पेसिंग आएगी, और अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली करता हूँ अपने पेरेंट को, इसके पेरेंट को, तो देखो तो ये हॉरिजॉन्टल है, तो देखो ये स्पेसिंग आ रही है, बट मेरे को क्या चाहिए, ये वाला आइटम इसके नीचे चाहिए। तो हम इन दोनों आइटम को पकड़ के ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। एक तो ऑटो लेआउट ये हो गया, एक ये, इन दोनों को मैंने पकड़ा और शिफ्ट टैब प्रेस किया, ये देखो ऑटो लेआउट में बन गया, ये हो गया हमारा टेक्स्ट, टेक्स्ट पेरेंट, ये भी एक ऑटो लेआउट है, तो मैंने इसलिए इसमें भी पेरेंट ही मैंने लिख दिया, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखो इसमें क्या किया मैंने, इसको एक के नीचे चाहिए मेरे को, यहाँ से मैंने कर दिया, मेरे को ये वाला लेआउट जो है ये नेस्टिंग नेस्टेड हो गया, ठीक है। एक तो हमारा पूरे का ऑटो लेआउट है, एक हमने इसके लिए बना लिया ताकि हम बता सके कि एक के नीचे एक रहेगा ये, तो यहाँ से मैंने देखो यहाँ से क्लिक करोगे हॉरिजॉन्टल रहेगा ये, और इस पर क्लिक करोगे तो एक के नीचे एक आ गया। तो यहाँ पे जाने के बाद ये देखो आप यहाँ से स्पेस आप इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, कमाल का फीचर। तो यहाँ से मैं इसको एड कर लेता हूँ, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इन चीज़ों को सेंटर में लेके आना है, तो आपने इस अपने पेरेंट को पकड़ना है यहाँ से, और यहाँ पे जाने के बाद लेफ्ट सेंटर कर दो, यहाँ से सेंटर सेंटर करोगे सेंटर हो जाएगा, और यहाँ से राइट सेंटर होगा, और यहाँ से लेफ्ट सेंटर हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसका मैं थोड़ा टेक्स्ट में इंक्रीज कर लेता हूँ, डिज़ाइनर लगा देता हूँ इसका, ठीक है, और ये हो गया हमारा परफेक्ट, ठीक है। अगर आपको इसकी यहाँ पे विड्थ आप हक करके अब हक कर दीजिए आप इसकी विड्थ, राइट, ताकि इक्वल पैडिंग आप ऐड कर सको, यहाँ से देखो यहाँ से अब आप पैडिंग ऐड कर सकते हैं इसमें इक्वल, ठीक है। यहाँ से देखो 20 मैं ऐड कर लेता हूँ। अब देखो अगर आप फिक्स कर दोगे इस पर क्लिक करके, देखो अभी हमारे इसने क्या किया हुआ है, हक करके रखा हुआ है, ठीक है। तो एलिमेंट सारे पास में है, ओनली पैडिंग है इसके बीच में 20 की। अगर आप इसको ऐसे कर दोगे तो ये फिक्स विड्थ हो गई यहाँ से, ये देखो फिक्स हो गई, ठीक है, ठीक है, ये समझ आ गया। अगर हमें फिक्स नहीं करनी, हम चाहते हैं कि इक्वल पैडिंग रहे चारों तरफ से, ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके इसको हग कर दीजिए। अब ये हग करके इसने रख लिया इस चीज़ों को, ठीक है, सिंपल। ये वाला कार्ड हमने डिज़ाइन करके देख लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, ये वाले कार्ड पर, ठीक है। इसको मैं करता हूँ डिलीट, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था आपको, अब मेरे को ये बॉक्स बनाना है तो मैं रेक्टेंगल नहीं लूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक मैंने फ्रेम लिया, ठीक है, सेम वही चीज़ मैंने क्या किया, बॉक्स बॉक्स पेरेंट, ठीक है, पेरेंट मैं लगा रहा हूँ हर एक के आगे, जो भी ऑटो फ्रेम मैं बनाऊँगा उसको मैं पेरेंट लिख रहा हूँ उसके आगे, ठीक है, राइट कर रहा हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर एक हमें इमेज लेनी है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने बॉक्स लिया यहाँ पर और मैं इसका फिल कर लेता हूँ वाइट, जो मैं करता हूँ हमेशा, ठीक है। और इसके बाद इफेक्ट में गए हम, सेम चीज़ मैंने जो लास्ट में किया था वही कर रहा हूँ, और ब्लर को मैं करता हूँ 12 और वाई को मैं करता हूँ 0, ठीक है, ये हो गया। और मैं इसका बॉर्डर रेडियस यहाँ से मैं कर लेता हूँ 12, ठीक है, ये ठीक है शेडो, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को एक इमेज लेनी है, तो मैंने एक यहाँ से मैंने फ्रेम लिया और इसके अंदर एक फ्रेम यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है। और इस फ्रेम में मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक किया, प्लगइन्स में मैं गया और अनस्प्लैश में गया और एक इमेज ऐड कर ली यहाँ से, ठीक है, ये आ गई, ये होगी हमारी इमेज, ठीक है।
सिंपल। और अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था अगर आपको, फिर मैं पेरेंट पे क्या करूँगा, राइट क्लिक करके आप ऐड ऑटो लेआउट कर सकते हैं, शिफ्ट ए प्रेस कर सकते हैं। तो मैंने प्रेस किया, अपने पेरेंट को पकड़ा और शिफ्ट ए प्रेस किया। अब ये देखो यहाँ से स्पेसिंग हमें ज़रूरत नहीं है, अभी स्पेसिंग को रहने देते हैं, ठीक है, जीरो कर लेते हैं। मैं आपको बता दूंगा क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल आइटम्स आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया और ये पैडिंग आ रही है, देखो यहाँ पे 32 32। पैडिंग अगर मैं जीरो कर दूँ तो स्पेस ख़त्म। तो मैं पेरेंट पर 20 की पैडिंग ऐड करता हूँ, ठीक है। ये देखो पैडिंग है ना, यहाँ पे मैंने पैडिंग ऐड कर ली। और कुछ मैं लॉरम टेक्स्ट ऐड कर ले लेता हूँ, लॉरम टेक्स्ट डमी टेक्स्ट है, कॉपी किया। और ये हमारा पेरेंट है तो हमें पेरेंट के अंदर ही चाहिए, तो ये मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया, ठीक है। और अब हमें क्या चाहिए, एक बटन हमें बनाना है। तो मैंने क्या किया, रीड मोर, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद मैंने बताया था आपको, अगर आपको बटन बनाना है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये हमारा पेरेंट है देखो फ्रेम, ये हमारा ऑटो लेआउट है, ऑटो लेआउट से बाहर जा रहा है रीड मोर, तो मैं रीड मोर को अंदर लेके आता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर कितने आइटम्स हो गए, 1 2 3, और मेरे को इनके बीच में स्पेस चाहिए, तो मैं किस पे जाऊँगा, पेरेंट पर अपने, और मैं यहाँ से स्पेस ऐड कर दूँगा वर्टिकल लाइन। देखो अगर यहाँ से करोगे तो हॉरिजॉन्टल हो जाएंगी चीज़ें, यहाँ से वर्टिकल चाहिए मेरे को, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरे को रीड मोर बटन पर, मैं रेक्टेंगल बना के बटन नहीं बनाऊंगा, मैंने शिफ्ट ए प्रेस किया, इसको भी मैंने एक ऑटो लेआउट में बनाया, तो ये हो गया हमारा बटन पेरेंट। पेरेंट मैं उन्हीं के आगे लगा रहा हूँ जिनको मैं ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ये भी हमारा ऑटो लेआउट बन गया, और इनके बीच में स्पेस एक आइटम नहीं है इसके बराबर में, तो मैं इसको जीरो करता हूँ स्पेस। और इसका मैं कुछ कलर फिल करता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम गए फिल में, ठीक है। और इसका कलर मैं कर लेता हूँ यहाँ से वाइट, कलर नहीं करता, एक काम करता हूँ मैं इसको येलो ही कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। और इसकी अगर आपको पैडिंग चाहिए तो पेरेंट कौन सा है इसका, इन सब का, ये पेरेंट है नहीं, बटन का तो ये है पेरेंट, बटन का पेरेंट ये है, ठीक है। तो आपको अगर पैडिंग चाहिए तो आप यहाँ से ऐड कीजिए 20 जैसे, ठीक है। अगर आपको डिफरेंट चाहिए तो हम यहाँ से ऐड करते हैं 15 15 20 20, ठीक है। तो इसकी बटन के पेरेंट की जो हो गई, ये हमारा एक फ्रेम है, तो इसकी जो पैडिंग हो गई हमारी 15, टॉप बॉटम 15, लेफ्ट राइट 20, सिंपल। और इसका बॉर्डर रेडियस मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ 8 कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने 8 कर लिया। अब ये स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा हो रही है आपको दिख रही है, ठीक है। देखो मैं तो मैं यहाँ पेरेंट पर गया तो मैंने स्पेसिंग इनके बीच की कम कर ली, ठीक है। तो अभी देखिए अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इतना कंटेंट कॉपी किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो देखो अब इसकी हाइट नहीं इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ देखो मैं कंटेंट अगर ऐड करता चलता हूँ यहाँ पर, ये देखो तो हाइट नहीं इंक्रीज हो रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ अंदर आना है इसके, और यहाँ से देखो हाइट एंड विड्थ इसकी फिक्स हो रखी है। तो हाइट के लिए मैंने बताया था अगर आपको इनको पास करना है तो हग कंटेंट कर लेना इसको, ठीक है। ये मैंने हग कर लिया, अब इसने हग करके रखा हुआ है दूसरे एलिमेंट को, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे कितना भी वो कर लूँ इसकी हाइट बढ़ती रहेगी अब, ठीक है। तो मैंने इसकी हाइट को जो आइटम है अंदर, इसको मैंने हग कंटेंट कर लिया। अब सेम ऐसे ही होगा, देखो अगर मैं इस पेरेंट को पकड़ के अगर छोटा करूँ, ये देखो चीज़ें रिस्पॉन्सिव नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को सबसे पहले अपना पेरेंट को मैं फिक्स ही कर ले, हग ही करके रखता हूँ जो हग मैं रखता हूँ, ठीक है, वो हग है। अब इसको जाने के बाद इसकी भी देखो फिक्स विड्थ है, तो इसको भी आपको हग कंटेंट कर दोगे तो आप बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जितनी आपकी विड्थ होगी तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको फिल कंटेनर कर दीजिए, मतलब जितना आपका कंटेनर है, ये वाला फ्रेम है बाहर वाला, ये उतनी विड्थ लेगा। आप देखो मैं इसकी करता हूँ, देखो ठीक है। तो ऐसी अब ये इसकी देखो ये पेरेंट है, इसको मैं हग कर लेता हूँ फिर, ठीक है। हग मतलब सब एलिमेंट पास में आ जाएंगे, तो मैंने इसको कर दिया हग कंटेंट। ऐसी अब इमेज है, ठीक है, इमेज भी देखो फिक्स विड्थ हो रखी है, इसको भी आप फिल कंटेनर कर दोगे। आप फिल करोगे जैसी, तो देखो अब आप यहाँ से देखो है ना रिस्पॉन्सिव पूरी चीज़, देखो
तो आइटम को आपको फिल कंटेनर कर देना है यहाँ से, ये देखो ये फिल कंटेनर हो गया, ठीक है। अगर आपको हाइट इसकी इंक्रीज करनी है तो आपने इसको हग कंटेंट कर दिया कि इस वाले आइटम से ये हग करके रखे इसको, ठीक है। यहाँ पर इसका देखो मैंने इमेज का कर दिया फिल कंटेनर कि रिस्पॉन्सिव रहे, और इसका भी कर दिया फिल कंटेनर, और इसकी जो हाइट है हाइट को आपको हग करना है, ताकि अगर मैं हग नहीं करता, देखो अगर मैं इसकी कर देता हूँ फिक्स हाइट कर देता हूँ, तो देखो इसकी हाइट नहीं इंक्रीज होगी नीचे। तो आपको इसको क्या करना है, अपने इस वाले पैराग्राफ जो हमारा ये पैराग्राफ है इसको आप अगर यहाँ से हग कंटेंट कर देंगे तो इसका मतलब ये हुआ, देखो अब इसका मतलब ये नीचे लगे रुको, इसका मतलब ये हुआ, मैं पेस्ट करता हूँ वन टाइम और देखो, इसका मतलब ये हुआ इस टेक्स्ट ने इस वाले बटन को हग करके रखा हुआ है पास में, ठीक है। तो होप ये आपके समझ आ चुका होगा। ठीक है, अब अगर आपको इस बटन को अलाइनमेंट यहाँ पे करना है राइट में, तो आपका पेरेंट कौन सा है, ये देखो ये पेरेंट आपका ऊपर है, तो आपको यहाँ पे जाना है, इसको यहाँ से राइट कर देना है, ये पूरे का आपको अलाइन करना है अगर इसको यहाँ पे, तो आप यहाँ से राइट कर दो, ठीक है। अब देखो सब चीज़ें राइट में अलाइन है, वो राइट अलाइन हो गया, ठीक है, ठीक है, ये राइट में हो गया अलाइन, ठीक है ना। और इसके बाद अगर आपको फुल विड्थ में चाहिए तो आप इसकी विड्थ कर सकते हैं फिल कंटेनर पूरे ही विड्थ, ठीक है। यहाँ से फिल कंटेनर इसको कर दिया आपने, और टेक्स्ट में आने के बाद यहाँ से आप इसको सेंटर कर दो, यहाँ पे जाने के बाद रुको जस्ट अ सेकंड, इसको आप यहाँ से फिल कंटेनर कर देना इसको, ये देखो क्या हुआ इसका, है ना, बहुत अच्छा फीचर। तो ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब हम बनाते हैं एक अपना स्टेटस बार, ठीक है, यहाँ पे हम स्टेटस बार बनाते हैं। अब जस्ट अ सेकंड, मैंने पूरा डिलीट कर दिया गया, ठीक है, इसके अंदर बॉक्स को मैं डिलीट करता हूँ। स्टेटस बार यहाँ से मैंने क्या किया, एक फ्रेम लिया और इसमें मैंने कुछ कलर फिल कर लिया अपना, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और इसमें मैं टाइम ऐड करता हूँ, पहले एक टेक्स्ट लिया यहाँ से 9902, और इसको मैं ऊपर ले चलता हूँ, ठीक है, और इसका कलर मैंने किया वाइट। ऑटो लेआउट के थ्रू ही बनेगा, देखना बहुत मस्त बनेगा, ठीक है। और ये हो गया यहाँ पे 902, ये है हमारा फ्रेम, पेरेंट कर लेता हूँ इसका नेम, ठीक है, पेरेंट हेडर, हेडर पेरेंट कर देता हूँ, ठीक है, हेडर इसका नेम हमने कर लिया हेडर पेरेंट, ठीक है, क्योंकि पेरेंट मैंने इसलिए किया है, मैं लेआउट में कन्वर्ट करूँगा वो आपको मैं पता ही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आप इसके अंदर मैं इसको लेके आया, और मैंने क्या किया इसको इसके अंदर आ गया, देखो है, ठीक है, और मैंने हेडर पेरेंट को मैंने ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, शिफ्ट ए मैंने यहाँ से प्रेस किया, सिंपल। और मैंने क्या किया, अभी इसकी हग कंटेंट है, देखो सब चीज़ें पास में आ गई, ठीक है, यहाँ पे स्पेसिंग है एक आइटम से दूसरे आइटम के बीच की स्पेसिंग है, इसको अभी जीरो रखते हैं, जरूरत पड़ी तो अभी ऐड करेंगे, ठीक है। और पैडिंग यहाँ से हम जीरो रखते हैं सारी, ये पैडिंग जीरो हो गई, ठीक है। और इसकी मैं कुछ विड्थ डिफाइन करता हूँ यहाँ से, देखो मैंने फिक्स विड्थ कर ली, अभी क्या है यहाँ पे हग कंटेंट है, हग कंटेंट, ठीक है, तो मैंने इसकी विड्थ मैंने कुछ यहाँ पे खींच ली, ठीक है। और अब मेरे को क्या करना है, मेरे को पैडिंग ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पैडिंग में गया, टॉप बॉटम से मेरे को चाहिए 20 सपोज, ठीक है, और लेफ्ट राइट से मेरे को चाहिए 24 एंड 24, ठीक है। ये देखो 24 की पैडिंग यहाँ से आ गई, 24 की यहाँ से आ गई, ठीक है, सिंपल ये हो गया। अब मेरे को क्या करने हैं इसमें, मेरे को अब आइकन सेट करने हैं इसमें, तो मैं राइट क्लिक किया, फॉन्ट ऑसम में मैं गया, प्लगइन्स फॉन्ट ऑसम, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद पहले हम लेते हैं वाईफाई, ये आइकन आ गया वाईफाई का, ठीक है, और इसके बाद है प्लगइन्स फॉन्ट ऑसम
इसके बाद हम लेते हैं सिग्नल। ये आ गया हमारा सिग्नल, ठीक है। और इसके बाद मैं लेता हूँ यहाँ पे राइट क्लिक किया, प्लगइन्स, बैटरी, कोई सी बैटरी आप चूज कर सकते हो, ये बैटरी आ गई, ठीक है। तो अब हमारे देखो ये 3 आइकन्स हैं हमारे, ठीक है। तो मेरे को एक के सामने एक चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, तीनों को मैंने सेलेक्ट किया और क्या किया, शिफ्ट ए प्रेस किया, ऑटो लेआउट। तो ये हो गया आइकन्स, पेरेंट नेम आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करोगे, पेरेंट मत लगाना, ये तो मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल के लिए, वर्टिकल के लिए। तो एक आइटम से दूसरे आइटम के बीच में कितना स्पेस चाहिए, ये हमारे 3 आइटम्स हैं इसके बीच में, ठीक है, 1, 2, 3। तो हम पेरेंट से स्पेस ऐड करेंगे, तो कितने का स्पेस चाहिए आपको, तो मैं यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, देखो 0 हो गया। तो मैंने किया यहाँ से, मेरे को चाहिए यहाँ से 15 का स्पेस, ठीक है। एक आइटम से आप दूसरे आइटम के बीच में 15 का स्पेस, आप पेरेंट पे क्लिक करके यहाँ से आप देख सकते हैं। अब ये भी हमारा ऑटो लेआउट है, तो मैंने इसको उठा के इसके अंदर ले आया मैं आइकन को, अभी ऑटो लेआउट नहीं है कि अभी ऑटो लेआउट नहीं है हमारा, ये सिंपल फ्रेम है, ये हेडर वाला हमारा ऑटो फ्रेम है, तो मैं इसके अंदर लेके आ गया इसको। ये देखो आप स्पेसिंग अगर चेंज करोगे लेफ्ट राइट से, देखो इधर उधर कर सकते हो आप, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब ये भी आपका ऑटो लेआउट पेरेंट है, ये बाहर वाला येलो वाला है ये, तो ठीक है, ये हमारा मेन है और ये हमारा इन टाइम है। तो इसको हम इधर कर लेते हैं एरो से, या आप ड्रैग करके भी इधर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे टू मेथड्स हैं यहाँ पर, ये आपका पेरेंट है पूरा। आप यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आप स्पेस बिटवीन कर सकते हैं, देखो आप स्पेस यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये देखो इधर चला गया। तो आपने हेडर को पकड़ा अपना और यहाँ से आपने जाने के बाद इसको पैक्ट की जगह आपने अगर पैक्ट करोगे तो एक के सामने एक हो जाएगा, तो आपको स्पेस बिटवीन कर दिया, तो ये इधर चला गया, ठीक है, सिंपल। और एक आप कर सकते हो, यहाँ पे जाने के बाद आपको आइकन पे, इस पे जाने के बाद इसको आप जाने के बाद यहाँ से आप फिल कंटेनर अगर कर दोगे और इसका अलाइनमेंट जो है इसका राइट यहाँ पे लेफ्ट कर दोगे, टेक्स्ट का आप मेक श्योर रहें कि आपका अलाइनमेंट लेफ्ट रहे, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसको फिल कंटेनर कर दिया। फिल कंटेनर का मतलब होता है कि एक आइटम ये है, एक आइटम ये है, तो बीच में जितना भी स्पेस होगा वो सारा स्पेस ले लेगा। आप देखो इसने क्या किया, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, इसको मैं हक कंटेंट ही करता हूँ। अब देखो यहाँ पे इतना स्पेस बचा हुआ है, अगर मैं इसको कर देता हूँ फिल कंटेनर टेक्स्ट को, तो पूरा फिल कर लेगा इसको, ये आइकन यहाँ चले जाएंगे। देखो मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और यहाँ से कर दिया फिल कंटेनर, तो इसने फिल कर लिया, इतना जितना स्पेस बचा था उसको फिल कर लिया, ठीक है। अगर मैं इसको भी कर दूँ यहाँ पर फिल कंटेनर, तो दोनों होता क्या है, हाफ हाफ स्पेस डिवाइड कर लेते हैं, हाफ इसने स्पेस ले लिया, हाफ स्पेस इसने ले लिया, तो दोनों दो आइटम है इसके अंदर, देखो 1, 1, 2, तो हाफ स्पेस इसको मिल गया और हाफ इसको मिल गया फिल कंटेनर करने से। देखो फिल कंटेनर किया, इसको भी फिल किया, तो मेरे को फिल नहीं करना है, तो मेरे को यहाँ पे हगी रखना है इसको, ठीक है। तो ये राइट साइड में चला गया, ठीक है, सिंपल। और अब देखो ये वर्टिकल लाइन हमें सेंटर करना है यहाँ पे, तो मैंने अपने इसको बाहर पेरेंट को पकड़ा इसको और यहाँ से जाने के बाद लेफ्ट सेंटर कर दिया, ठीक है, लेफ्ट सेंटर कर दिया, सेंटर आ गया, ये हो गया। अब हम बना के देखते हैं ये मेनू बार, इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, इसको बनाते हैं अब हम। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया था कि मैं वही फ्रेम यहाँ पे एक फ्रेम लूँगा, ठीक है, और मैं इसमें फिल करूँगा इसमें वाइट कलर, सिंपल जैसे मैं करता हूँ हमेशा, ठीक है। और इसमें मैं जाके इफेक्ट ऐड करता हूँ, इसमें एक शेडो 0, ब्लड 12, वाई से 0, और इसको मैं ये रखता हूँ, ठीक है। और इसका मैं बॉर्डर रेडियस यहाँ से ऐड कर देता हूँ 12, ठीक है। और इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, अभी मैं करता हूँ कन्वर्ट, पहले मैं क्या करता हूँ ये लोगो मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ लोगो पेस्ट किया, आया नहीं लोगो, कॉपी, रुको जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पेस्ट नहीं करता इसको, मैं बाहर से लेता हूँ इसको, ठीक है, मैंने यहाँ किया बाहर छोड़ दिया इसको, और मैं इसी के अंदर मैं लेके आ गया इस फ्रेम के अंदर अपना लोगो। ये हमारा वही मेन्यू पेरेंट, जिस पे मैं पेरेंट राइट किया है उसको मैं ऑटो फ्रेम में कन्वर्ट करने वाला हूँ, समझ जाना, ठीक है।
तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, शिफ्ट ए प्रेस किया, ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर दिया। और अब ये देखो इसके अंदर पैडिंग आ गई ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब मैं स्पेस जीरो रखता हूँ, अभी स्पेस की ज़रूरत पड़ी हम ऐड कर लेंगे। और पैडिंग अगर मैं जीरो कर दूँ यहाँ पर, तो देखो पैडिंग जीरो हो गई, ठीक है। और मैं कुछ विड्थ डिफाइन कर लेता हूँ इसकी, फिक्स विड्थ मैंने कर ली, या मैं पैडिंग ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। चलो विड्थ ही कर लेते हैं, इसको विड्थ कर लिया मैंने यहाँ से। और इसको जाने के बाद मैं सारी चीज़ें सेंटर रखना चाहता हूँ, तो सेंटर सेंटर, ठीक है। और इसके अंदर हम कुछ पैडिंग ऐड कर लेते हैं यहाँ से, 20 टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से पैडिंग 20 हो गई है इस टाइम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, होम है हमारा आइकन एक, तो मैंने क्या किया, मैं भारी रखता हूँ अभी, मैंने क्या किया होम, ठीक है। अब मेरे को एक आइकन चाहिए, प्लगइन्स फॉन्ट ऑफ सम, तो हम कोई भी एक आइकन ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी। ये हमारा आइकन आ गया, ठीक है, और ये हमारा होम है, मैं इसको भारी रख लेता हूँ। तो हमारे टू आइटम्स हैं, एक आइटम ये है हमारा, सॉरी एक आइटम हमारा ये है आइकन, और एक ये है। अब मेरे को क्या करना है, एक के सामने एक लाना है, तो मैंने क्या करना है, दोनों को सेलेक्ट किया आइकन को, शिफ्ट ए प्रेस किया, तो हो गया आइटम पेरेंट। तो ये टू आइटम्स हो गए हमारे, 1 2, ठीक है। अब इनको मेरे को वर्टिकली नहीं चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो मैंने हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया, एक के सामने एक आ गई है, और मैंने इसको इधर कर लिया, आइकन इधर आ गया। और अब आपको इनको सेंटर लाइन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सेंटर सेंटर हो गया। और दोनों आइटम के बीच में स्पेस चेंज करना है, तो मैंने पेरेंट को चूज़ किया, 12 किया, ठीक है, ये आ गया समझ। अब हमारा ये है मेन, अब इसके अंदर हमने इसको ऐड कर दिया, ये आ गया हमारा। अब इसकी डुप्लीकेट किया, कंट्रोल डी, अबाउट अस, ठीक है, और कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट किया, सर्विसेज, सर्विसेज इसका डुप्लीकेट किया कंट्रोल डी से, ये हो गया हमारा गैलरी। और इसका डुप्लीकेट किया कंट्रोल डी से, ये हो गया हमारा कॉन्टैक्ट, ठीक है। देखो ये ऑटो फ्रेम है, तो एक के सामने एक है ये, ठीक है, और ये बाहर वाला ऑटो फ्रेम है मेन। अब हमें कितने आइटम्स है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6, तो देखो 6 आइटम है, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने बताया था एक आइटम से दूसरे आइटम के बीच में आपको स्पेस ऐड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाकर स्पेस ऐड कर देना, ये देखो सबके बीच में इक्वल स्पेस आ रहा है, देखो 1 जितना ये है 34, मैं 40 कर दूँ अगर, देखो 40 40 40 है, देखो 40 स्पेस, 40 40 40 40, तो मेन पेरेंट में ऐड करना है मैंने, ठीक है। ये देखो बन गया, अगर आपको फ़ोन साइज़ आपको इंक्रीज़ करना है, आप फ़ोन साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं जाके, ठीक है। तो ये देखो, और यहाँ पे जाने के बाद अगर आपको सब चीज़ें सेंटर चाहिए, यहाँ पे आप अलाइनमेंट वगैरह चेंज कर सकते हैं इसका जाके, जहाँ भी आपको आपके आइटम से चाहिए, देखो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी यार ऑटो लेआउट में, थोड़ी प्रैक्टिस करना है इसके लिए, आपको सब चीज़ें ईजी लगने लगेंगी, ठीक है। और आगे आने वाली वीडियो में बहुत सारी मैं मोबाइल ऐप्स भी डिज़ाइन करने वाला हूँ, और वेबसाइट्स भी डिज़ाइन करके दिखाने वाला हूँ, तो ऑटो लेआउट की प्रैक्टिस आपकी और अच्छी हो जाएगी। तो होप आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट रहता है कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। और प्लीज़ यार वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो के अपडेट मिल सकें, ठीक है। और वीक में मैं ट्राई करूँगा मैं 3 वीडियोज़ ऐड करूँ, ठीक है, क्योंकि यार ऑफिस होता है और टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं आई विल ट्राई कि मैं 3 वीडियोस ऐड कर पाऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।